close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is... Hello guys, एक नए वीडियो के साथ हम फिर से वापस आ गए हैं और एक नए व्लॉगिंग के साथ हम फिर से वापस आ गए हैं फिलहाल, क्योंकि अभी भी जस्ट मैंने एक व्लॉग का एंड किया है, तो मैंने कहा चलो शुरू कर देते हैं दूसरा व्लॉग, कि इसमें कुछ और रेसिपी लेके आऊँगी फ्रेंड्स, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो इसी वक्त शुरुआत भी कर देते हैं। और मैंने बाल वाल अच्छी तरीके से झाड़ लिया है, शाम को छत पर जाने का प्लान है थोड़ी देर के लिए, देखेंगे क्या कैसे हुआ है, तो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स जज बिल्कुल भी मत करना, जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाती हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो तो आपके साथ शेयर करना बनता है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी और पसंद आएगी और होगी जो भी मैंने अभी तक शेयर की आप लोग के साथ। और आपकी कोई भी कमेंट, कोई भी रेसिपी जो भी हो आप लोग शेयर कर सकते हो, बता सकते हो फ्रेंड्स, तो मैं वो कोशिश करूँगी पूरी उम्मीद के साथ कि बना सकूँ। और क्योंकि आजकल ना YouTube पे सब लोग बहुत ज़्यादा जज करने लगते हैं हर चीज़ को, ऐसा है वैसा है। फ्रेंड्स साड़ी ड्रैपिंग की वीडियो आ रही है, आप लोग साड़ी ड्रैपिंग की वीडियो ज़रूर देखिए। सिर्फ आप लोग की वजह से मैं साड़ी ड्रैपिंग की वीडियो प्रिया स्टाइल पर डाल रही हूँ, नहीं तो मैं लाइफ स्टाइल पर डालती थी, तो लाइफ स्टाइल पर लोग देख ही नहीं रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी नई वीडियो देखनी है तो प्लीज़ लाइफ स्टाइल पर जाकर देखिए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं साड़ी की, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको, आप लोग ज़रूर देखेंगे और आपको पसंद भी आएगी फ्रेंड्स। और अभी ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसलिए होती है वीडियो बनाने में, क्योंकि घर बन रहा है, खटर पटर होती रहती है, तो टाइम नहीं मिल पाता है, और इधर उधर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर ही बन रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो फ्रेंड्स, और मुझे इतना भरोसा है कि आप लोग समझोगे ज़रूर। और तो बस ये देखिए हम मिरर के सामने खड़े हुए हैं और बस वीडियो बना रहे हैं। और देखिए मैंने चोटी बनाई है, आजकल मैं चोटी बहुत बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ही बेकार हो चुके हैं, जूड़ा बना रही हूँ, तो जूड़ा जो है वो क्लियरली बन नहीं पाता, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, पता नहीं क्यों इस वक्त झड़ी रहे हैं। और देखिए कितना सारा पसीना हो गया, फ़ैन को मैंने बंद करके रखा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस हम लोग आ गए हैं छत पे, और आप देख सकते हो छत पे पूरा काम कंप्लीट हो गया है, बस केवल छत पड़नी है, तो छत हमारी शुक्रवार को पड़ेगी। और यहाँ पे लाइट का भी काम हो गया है, और सरिया भी अच्छी तरीके से बिछ गई है, और इस सरिया के बीच में चलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है फ्रेंड्स, एक एक पाँव बहुत फूक फूक के रखने पड़ते हैं। और ये आगे का पोर्शन है, यहाँ पे आगे का पूरा लाइटनिंग किया हुआ है, और पीछे का मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, तो इस तरीके से ना पूरा अच्छी तरीके से लाइट वाइट का अच्छी तरीके से कनेक्शन दे दिया गया है। और आप देख सकते हो सरिया कैसे निकली हुई है, एक एक चीज़ ना बहुत आराम से इस पे चलना पड़ता है फ्रेंड्स। तो हम लोग एक जगह खड़े होकर ही वीडियो खास करके बना रहे थे, तो वीडियो भाई बना रहा था, तो मैं फ़िलहाल पापा की हेल्प कर रही थी, कुछ पापा कुछ लिख रहे थे, तो उसी में सामान वामान पकड़ना था, तो वही पकड़ के मैं बैठी थी, खड़े थे मतलब बैठे नहीं थे। तो यहाँ पे हम नंदनी भाई सब लोग आए थे और एक एक चीज़ को देख रहे थे कि अब छत पर जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। और आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो हमारी छत जो है वो पड़ जाएगी शुक्रवार को, बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी हम आ गए हैं किचन में, तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आटे का लड्डू, तो मैंने कहा कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे को पहले ही भून करके रख दिया है, अब यहाँ पे मैं गरी और उसको भून रही थी कद्दूकस करके, और ये है हमारा ड्राई फ्रूट्स को मैंने
अच्छी तरीके से फ्राई करके उसको घी में फ्राई करके रख कर लिया था, और उसको कट करके भी रख लिया था कि जल्दी जल्दी फटाफट काम हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मखाने को भून रही हूँ। मखाने भूनने के बाद हल्दी और सौंठ ये सब भून लेंगे। भून करके अच्छी तरीके से फिर हम गुड़ का शीरा बनाएंगे। तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर कर रही हूँ मैं, कि आप लोग भी अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, बस लगता है कि ये सब काम बहुत ज़्यादा ही आलसी वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही मुसीबत, तो इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम है, तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत फटाफट से सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं हल्दी भून रही थी, ऐसे ही मेरा मन हुआ कि चलो बना लेते हैं, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। फिर हल्दी को ना आपको घी में थोड़ा अच्छी तरीके से भून लेना है, और जो हमारा सौंठ है उसको भी अच्छी तरीके से हमें भून लेना है, घी में ही भूनना है सबको। और गोंद को मैंने पहले ही भून करके रख लिया है, उसको मैं मिक्सी में पीस दूंगी। और यहाँ पे ये मखाने को भी मैं मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस करके उसको तभी डालूंगी, क्योंकि अगर हम काट करके डालेंगे तो थोड़ा बहुत तभी उसमें खड़ा खड़ा रह गया था, काट करके डालने से उतना स्वाद नहीं आता है, बहुत ज़्यादा ही दर्द वो दिखता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे सूट भी हमारा अच्छी तरीके से पिस गया है, तो इसको हम भुन गया है, पिस नहीं गया है, भुन गया है। तो यहाँ पे सब सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके रख ली हैं। तो अभी हम गुड़ को पिघलाने के लिए कढ़ाई में डाल दिए हैं। गुड़ हमारा अच्छी तरीके से, चाशनी हमारी बन जाएगी गुड़ की। तो हमें गुड़ को केवल मेल्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें मैंने ले रखी है, किशमिश है, गरी है, गोंद है, और मखाना, और ये काजू बादाम, और सौंठ, और हल्दी, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गुड़ है वो भी मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, ये भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। तो फिर हम जो हमने आटा रखा है, आटे में सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। पहले हमें गुड़ को ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से गला लेना है, इस पर भी ध्यान देना है क्योंकि ये कढ़ाई में चिपक भी सकता है, तो इसलिए इसको भी हम चलाते रहेंगे। और यहाँ पर जब हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है तो मैंने उसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। मैंने कहा तब तक इन सबको अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर लेते हैं। आटे को मैंने घी में फ्राई कर लिया था, भून लिया था अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं सारी चीज़ें डाल दे रही हूँ, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने उसको फ्राई किए थे सबको मैं डाल दूंगी। और जो हमारा गरी है ना, उसको हम नारियल है उसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे, उसमें घी डाल के नहीं उसको भूनना है, क्योंकि उसमें वैसे भी तेल होता है। तो हमें उसको कढ़ाई में बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से कुरकुरा करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो हल्दी और ये सौंठ है इसको भी डाल देंगे। तो अब हम गुड़ जो है हमारा पक चुका है, तो हम गुड़ को भी अच्छी तरीके से इसमें डाल करके इसको पूरा मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। ये तो यहाँ पे एक्चुअली ना नंदनी वीडियो बना रही थी और मैं फटाफट कर रही थी तो उतना दिखा नहीं पा रही थी नंदनी, तो मैंने कहा चलो छोड़ो। तो बस गुड़ अच्छी तरीके से हमारा पक जाए, ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बस चिपकने लगे उसके बाद इसको हमें डाल देना है। डाल करके अच्छी तरीके से जितना भी है सब कुछ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको एक जगह इसको अच्छी तरीके से इकट्ठा करके रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है, और फिर हमें थोड़ा थोड़ा कर करके लड्डू बनाने हैं। तो इस तरीके से जितने भी लड्डू बन जाए आप बना लीजिए, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स। उम्मीद करेंगे कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, और हमारा घर कैसा लगा न्यू न्यू धीरे धीरे बन जाएगा तो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये लड्डू आपके लिए है, फटाफट से आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए इतने सारे लड्डू हमारे बन के कम्प्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भर भर के कर देना फ्रेंड्स। आप लोग लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों कंजूसी कर देते हो फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको फ़ोन में उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। लड्डू फटाफट से उठा लीजिए, एक एक करके सभी लोग जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब लोग उठा लीजिए, कम पड़े तो और सारा बना दूंगी फ्रेंड्स। चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।